हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि सिटी केमिस्ट को 50 इंजेक्शन मरीजों तक पहुंचाने बेचने के लिए दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी डॉक्टर के पर्चे, सीटी स्कैन, कोविड-19 संबंधित सभी तरह के पर्चे सबमिट करने के बाद ही उनको इंजेक्शन दिए जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल संचालकों द्वारा जो इंजेक्शन मरीजों को दिए जा रहे हैं, उसका डाटा अपने पास है या नहीं, इसी को चेक करने के लिए आज मैं सिटी केमिस्ट पहुंची हूं। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कम होने के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, इसी के चलते मैंने खुद अपनी देखरेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण कराया। सिटी केमिस्ट पर आए ग्राहक ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए पूरे शहर में इधर उधर दौड़ लगानी पड़ रही है और यहाँ भी इंजेक्शन देने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के आने के बाद हमें इंजेक्शन मिला। एक्चुअली सिटी केमिस्ट को 50 इंजेक्शन अलॉट किए गए थे और जो कि उसे मरीजों तक पहुंचाने के लिए और भेजने के लिए दिए गए थे। क्योंकि बात यह है कि जितने भी जो भी मेडिकल स्टोर पे हमने इंजेक्शन प्रोवाइड कराए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी भी प्रेस्क्रिप्शन के सिटी स्कैन और कोविड से रिलेटेड सारी जो पर्चियाँ हैं वो सबमिट करने के बाद ही इंजेक्शन का वितरण किया जाएगा। किंतु कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं है और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं है, बट डॉक्टर द्वारा उन्हें रेमडेसिविर का प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी के आधार पर उसके द्वारा जो है हमारे ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है कुछ पेशेंट को ये कही जा रही है कि आप कोविड अपना पूरा पॉजिटिव रिपोर्ट ले आए, उसके बाद ही दी जाएगी। तो इसी के चलते आज मैं यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने आई और मेडिकल स्टोर द्वारा सारा डाटा रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, किस तरीके से उसका वितरण किया जा रहा है, इस चीज़ की जांच के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मोस्टली जो है पेशेंट बहुत परेशान होना पड़ रहा पेशेंट को, क्योंकि कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट किए गए हैं बट उनको इंजेक्शन नहीं उनके पास प्रोवाइड है। तो लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और यहाँ पर आपस में काफ़ी एक दूसरे पर थोड़ा सा लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, अतः मेरे द्वारा यहाँ पर अपने प्रेजेंस में रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया। एक्चुअली ये जब रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं डॉक्टर, तो पहली डोज 2 इंजेक्शन की लग रही है, बाकी तो इस चीज़ को डॉक्टर ही बता पाएंगे। उसके बाद एक एक इंजेक्शन 4 दिन तक कंटिन्यू लगाया जा रहा है, बट कुछ डॉक्टर जो है प्रीवियसली 2 डोज लिख दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम किसी एक को 2 डोज दे देते हैं तो हो सकता है कि अगले किसी कस्टमर को या पेशेंट को हमारी पहली डोज या फिर सेकंड डोज ना मिल पाए, इसीलिए लोगों में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस है इस चीज को लेकर। हरिद्वार से इंतजार रजा, न्यूज़ वाले इंडिया।